सर्दियों का स्टार्ट हो चुका है और सर्दियाँ आते ही हमारे हाथ पैर जोड़ों में दर्द, कमर दर्द और बच्चों में परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। अक्सर हमारी पिंडलियों में दर्द और बच्चों की पैर में पिंडलियों में दर्द जो होता है वो ठंड आते ही शुरू हो जाती है। तीसना, ये सब कैल्शियम की कमी से होती है। तो आज मैं लाई हूँ कैल्शियम से भरपूर एक बहुत ही टेस्टी सी डिलीशियस सी रेसिपी लाई हूँ, जिसे हम बनाएंगे और बहुत ही वो पूरा कैल्शियम का खजाना है जो है बनेगा तिल से। बहुत मात्रा में हमारा कैल्शियम मिलता है, इसे अगर हम खाएंगे, इसे मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड्डू बनाना बताऊंगी जो कि कैल्शियम से भरपूर होंगे और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी बनेंगे। इसको मैं बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप जितनी तिल ले ली है और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप काजू, 1/2 कप बादाम और 1/2 कप अखरोट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, यानी आप ज़्यादा भी इसी क्वांटिटी कर सकते हैं और इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं या और कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, इनमें से कोई स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसे मैंने धीमी आंच पर गर्म कर लिया है। यहाँ पर इसे मैंने इसलिए गर्म किया है क्योंकि हम इसे अपनी तिल को इसमें बिना कोई तेल और घी ऐड करे इसमें रोस्ट करेंगे। हमें इसको जब तक सेक लेना है जब तक कि हरी तिल जो है थोड़ा सा कलर नहीं बदल देती है, जब तक हमें इसे रोस्ट करना है और ये हल्की सी फूल जाएगी, आवाज भी आने लगेगी, चटचट होने लगती है, तो समझ जाइए कि हमारी तिल भुन चुकी है और अच्छे से खुशबू आने लगेगी। ये मेरे घर की तिल है, एकदम देसी तिल है। देसी तिल थोड़ी सी ऑफ वाइट कलर की होती है, उसमें थोड़ी थोड़ी ब्लैक भी मिली होती है। तो ये आप और जो बाजार की होती है देसी नहीं होती है, वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, इतना फ़र्क होता है। इस तरह से मैंने अपने तिल को अच्छी तरह से भून लिया है और इसे हम भून लेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आने नहीं लगेगी, जब तक हम इसे अच्छी तरह से भून लें। जब हमारी तिल अच्छी तरह से भून चुकी है लगभग, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। हमें इन्हें भी अच्छी तरह से इसी में सेक लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे ड्राई फ्रूट जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये आसानी से चूर हो जाएंगे। हमें काट के डालना हो तो वो भी कर सकते हैं। मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को भी इसी में डालकर 5 मिनट के लिए और इसे भी रोस्ट कर लूँगी। हमारी तिल को कुल मिलाकर 10 मिनट लगाया और ये हमारी धीमी आंच पर हमारी जो तिल है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपनी तिल को अलग निकाल लेंगे। हम अलग निकाल लेंगे और इसमें से जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें अलग करके हम, या तो आपको काटना है तो आप काट भी सकते हैं, मैं काटने से अच्छा ही किसी कपड़े में डालकर अच्छी तरह से कूट लूँगी, जिससे कि कुछ पिस जाएगा और कुछ खड़े खड़े रहेंगे। काजू बादाम के दाने तो बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है उससे। यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, गुड़ मेरा देसी है, इसमें मैंने यहाँ पर मैंने इतना गुड़ ले लिया है। इसे हम कट कर लेंगे चाकू से, इस तरह से हम रफली चॉप्ड कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे क्योंकि हमें इसको मेल्ट करना है ना, तो इसलिए हमें इस तरह से मेल्ट करना है, तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पर मैंने करीब 1.5 यानी जितनी हमने तिल ली है ना उससे आधा हमें गुड़ लेना है। यहाँ 3 कप मैंने लिया था तो उससे आधा मैंने 1.5 कप यहाँ पर गुड़ लिया है। अब इसको मैं जो इस कढ़ाई को खाली करके कढ़ाई में इसे गुड़ को ऐड कर दूंगी और इसमें मैंने 1/4 कप लिया, तो ये 2 घूंट जितना पानी डाल रहा है कि हमारा गुड़ नीचे लगे नहीं और अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। बस इतना पानी मुझे इसमें ऐड कर देना है और इसे ऐड करने के बाद हम इसे धीमी आंच पर ही मेल्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं है तो गुड़ लग सकता है अगर हम तेज़ आंच में करेंगे। बस अभी इसे इतनी पानी में इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना और इसकी बहुत ही गाढ़ी सी चाट बन जाएगी और इसे गाढ़ी चाशनी हम अपनी मेल्ट करके इसे अच्छी गाढ़ी चाशनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारा गुड़ जो है अच्छी तरह से पिघलना शुरू हो गया और इस प्रोसेस में 5 मिनट ही लगते हैं। 5 मिनट में हमारा गुड़ पिघल कर अच्छी तरह रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमें इसको इसलिए भी करना है क्योंकि देसी गुड़ है, इसमें थोड़ी बहुत डस्ट भी होती है, तो इसको साफ करने के लिए हमने यहाँ पर इसको मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद इसे हम इस तरह से छान लेंगे। इसको मैंने छान लिया है, छानने की तरह से छान लेंगे तो जितनी इम्प्योरिटीज़ होती है इसमें, गंदगी होती है थोड़ी बहुत ना धूल मिट्टी, तो वो भी निकल जाएगी आराम से। तो उसके बाद मैंने इसे फिर से कढ़ाई में छानने के बाद इस सिरप को फिर से मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है और हमारी गैस धीमी आँच पर हमने इस कढ़ाई को रखा है। हमारी गैस जल रही है बहुत स्लो आज पर, हमारी कढ़ाई चढ़ी हुई है और इसमें हमने अपना ये गुड़ पिघला हुआ डाल दिया। उसमें अब हम इसमें अपनी तिल ऐड कर देंगे। तिल ऐड करने के बाद हम थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी तिल डाली, उसे मिक्स कर दिया। उसके बाद मैं फिर से सारी तिल डाल दूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँ। इसे हम हल्की हाँ धीमी आँच पर चढ़े रहने देंगे और धीरे धीरे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमारी जब तिल अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो हमने जो कूट कर ड्राई फ्रूट्स रखा था उसे भी हम इसमें मिला देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमारी चाशनी जो है ना नीचे से अच्छी गाढ़ी हो गई है और इसके लड्डू बनने लगेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि लड्डू बनेंगे या नहीं बनेंगे उसको मैं चेक करा देती हूँ। यहाँ पर हम प्लेट में इसको निकालेंगे, तो बहुत गर्म होगा तो हम हल्का सा हाथ में पानी लगाएंगे और इसको इकट्ठा करेंगे ना, तो एक लड्डू जैसा अगर ये फॉर्म हो जाता है तो इसका मतलब है कि चाशनी अच्छी गाढ़ी है। एक्सपीरियंस है हमारा, तो हम इसे देख के भी बता सकते हैं कि अच्छी तरह से हमारी चाशनी देखेंगे या कढ़ाई से तो नीचे गाढ़ी पता चल जाती है। और यहाँ पर मैंने 2 इलायची रेस्ट करके ऐसे ही डाल दिया था, तो इसका टेस्ट इलायचियों का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है तिल के लड्डू में। ये हमने इसे गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है
और अब हम इसको ना गरम गरम ही इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए मैं ये हल्का सा पानी लगाऊंगी और अभी आपको जैसा लड्डू बनाना है साइज का हम उसमें से लेके और लड्डू बना लेंगे। इस तरह से मैंने लिया है और गरम 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 में ही बनाना है क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो ये फिर जम जाएगा, तो इसलिए हमें हल्के गरम में ही इसको काम करना है। हल्का सा पानी हाथ में लगाते जाइए या घी लगा सकते हैं, मैंने पानी लगाया, इस तरह से लगा के मैं सारे लड्डू इसको तैयार करूँगी। और हमारी बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ही हमारी कैल्शियम से भरपूर हमारी हेल्दी सी रेसिपी वैसा रेडी हो चुकी है। इस सर्दियों में आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिए। हमारे जो जोड़ों में दर्द या पिंडियों में दर्द होता है ना, बच्चों के दांतों का पीसना, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन इलाज है कि अगर आपके बच्चे रात में सोते वक्त अपने दांत अगर पीसते हैं तो उसे लाएंगे ना उनके लड्डू तो वो भी बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिए, मेरी रेसिपी से बनाइए। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।